किसान अलग चीज है, मंदिर अलग चीज है, मस्जिद अलग चीज है, धार्मिक अलग चीज है और वोट अलग चीज है। आलू पर वोट जिस दिन हो जाएगा जी, तो उस दिन नतीजे आ जाएंगे। नमस्कार, सबसे पहले दीभारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। आज आपका बिधुना आना कैसे हुआ? एक कार्यशाला रखी यहाँ पे, जिससे कुछ लोगों को इनकी बात को जान सके, अपनी बात इनसे रख सके, कैसे हम संगठनों को बढ़ावे, उस संबंध में यहाँ पे बातचीत रखी और मंडल के पदाधिकारी हमारे यहाँ पे आए थे, उनको बुलवाया यहाँ पे। सर, अभी बहुत ही ये समस्या चल रही है कि आलू को लेके, आलू इतना सस्ता हो चुका है, किसान अब जोतने में लग गया है, आलू जोत रहा है, उसकी कीमत 250-300 रह गई है, क्या करना चाह रहे लोग आपसे उम्मीद लगा कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में जब तक नहीं बनेगी, फसलों के यही दाम रहे जी। अगर ये पॉलिसी बन जाए, कितने क्षेत्रफल, कितनी हमारी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल में आलू की खेती होगी, कितने पे लगने से नुकसान होगा, कितने पे फायदा होगा, ये डाटा रहना चाहिए। वो डाटा नहीं है, लेकिन वोट कहाँ है, वोट कैसे मिलेगी, वो डाटा देश के पास में है। देश के किसानों की जनसंख्या और फसलों का डाटा देश के पास में नहीं है सरकारों को। क्या 2024 में किसान और आलू का? किसान अलग चीज है, मंदिर अलग चीज है, मस्जिद अलग चीज है, धार्मिक अलग चीज है और वोट अलग चीज है। आलू पर वोट जिस दिन हो जाएगा जी, तो उस दिन नतीजे आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही संसद में घटना घटी थी, उसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो सरकार की पॉलिसी है सर, कैसे आदमी चला गया, उसकी जांच होनी चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि किसके कहने पर वे गए, उसके सामने आना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं बात न्यूज, ये भी हमारे साथ पाकिस्तान। ठीक है, नमस्कार।